हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू फोकस ऑल एग्जाम यूट्यूब चैनल फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। सो गाइस, आज बात करने वाले इस वीडियो में असम राइफल रिक्वायरमेंट 2022 से रिलेटेड आप लोग का ट्राई टेस्ट कैसे वहाँ पर हो रहा है, बिल्कुल ए टू जेड बताने वाला हूँ। ये सेंटर आप लोग का कहाँ का है, ये जो बात कर रहा हूँ आप लोग का रिव्यू कहाँ का है, जोरहाट का है। जोरहाट का बिल्कुल बात करने वाला है अपने ए टू जेड, ठीक है। उसको ट्राई टेस्ट वहाँ पर कैसे पूछा गया था, फिर तो मैंने प्रूफ के साथ आप लोग को दिखा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर सोच रहे हैं कि मैं फेक बना रहा हूँ। फेक नहीं बना रहा हूँ, बिल्कुल टोटल जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, मतलब स्टूडेंट से पूछ रहे हैं, वही मैं बता रहा हूँ। जो स्टूडेंट बता रहे हैं वही मैं बता रहा हूँ। सो ये स्टूडेंट पास हो गया है, ये स्टूडेंट जो है पास स्टूडेंट का है, ये पास स्टूडेंट है। तो मैं ए टू जेड उसके से मैसेज किया था आप लोगों को, विद प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों देखिए, मैंने बोला जरूर से वीडियो कल बनाना एंट्री वक्त, ठीक है। सो एंट्री करते वक्त जिसने कहा ओके सर, ठीक है, आप लोग भी मतलब एंट्री कीजिएगा तो वीडियो एक जरूर दो तीन वीडियो जरूर बनाया जाएगा 2 से 3 मिनट के लिए। तो मेरे चैनल पर मेरे व्हाट्सएप नंबर नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ पे आप लोग को व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग को सेंड करना है, स्क्रीन पे वो दिख रहा होगा, इस व्हाट्सएप नंबर आप लोग को वहाँ पर सेंड कर देना है वीडियो, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो जरूर से बनाइएगा जैसे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वीडियो छोड़ा था, देखिए पहुँच गया सर नेफा गेट पर, मतलब आप लोग को नेफ ये गेट पर पहुँच गया था। उसके बाद सो की बैच बनाकर दौड़ा छोड़ रहे हैं, ठीक है। उन लोगों को सो का बैच बनाया दौड़ाने वाले, ठीक है। उससे देखिए ये वीडियो छोड़ा था और उससे मैंने पूछा कि रनिंग हो गया, तो कहा ऑल पास, ये पूरा बता रहा था ऑल पास, मैंने नहीं समझा ऑल पास। फिर मैंने मैसेज किया अच्छा ऑल पास, फिर वीडियो बनाया। उसके बाद मैंने टेस्ट पास कर लियो, तो इसने कहा हाँ टेस्ट भी पास कर लिया सर, अच्छा। उसके बाद टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन बताओ कितना, मैंने मैसेज किया कितना क्वेश्चन पूछ रहे हैं और टेस्ट क्वेश्चन बताओ, कॉल करें अभी। तो मैंने उससे पूछा तो ये कहा हाँ चौ, कॉल से भी बात हुई। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन और याद है तो बताओ। देखिए क्वेश्चन ये बताने वाला, जैसे क्या कि नोट कर रहा था, उसके बाद बताया, देखिए बताया कि तरंग का मात्रक होता है भारतीय भारत प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, मतलब प्राकृतिक उपग्रह। ये क्वेश्चन थोड़ा ये होगा कि भारत का प्रथम प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो आप लोग ये हो सकता है। सो के पास कितने प्राइम नंबर, सो के पास का एक प्राइम नंबर कितने होता है, सबसे देखिए सबसे ज़्यादा दूर कौन सी धारा हो सकती है, और ए सी या डी सी के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए बिल्कुल उस डिजिट बताने वाला हूँ इसके मैं, विथ आंसर के साथ, और मैथ का फार्मूला भी पूछ रहे हैं, स्क्वायर एरिया पूछा था, ठीक है। बस इतना ही मुझे, या मतलब मुझे 10 से 11 पूछे थे, आठ के दे दिए थे बराबर, 8 के जवाब दिया था, 10 से 11 क्वेश्चन पूछे थे। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ आप लोग, कम से वहाँ पर कम से 10 क्वेश्चन के, कहीं कहीं 20 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो 20 क्वेश्चन पूछे कम से 15 या 13 बताना है, 15, 14, 13 बताना है, और जहाँ जहाँ 12 क्वेश्चन पूछ रहे हैं वहाँ आप लोग कम से कम 10 बताना है, ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आज तुम्हारा फ्रेंड के इस आज जो 24 तारीख है उसका फ्रेंड का भी मतलब फिजिकल है, ठीक है। तो ये आप लोग को हो फेल हो गया है वो, अच्छा आईटीआई वाला था, क्योंकि आईटीआई वाले थे तो क्यों फेल हो रहे हैं, क्योंकि आईटीआई सिंपल जो किए हैं वो फेल हो जा रहे हैं। अगर वो इलेक्ट्रिकल चल रहा है, इलेक्ट्रिकल से किए हैं तो आईटीआई तो वो चल जाएंगे, और आईटीआई आप लोगों का फिल्टर फीटर हुआ या आप लोग का जो भी ट्रेड हो मैकेनिकल, तो उसमें आप लोग को फेल कर देंगे, सिर्फ आईटीआई वालों को ले रहे हैं मतलब इलेक्ट्रिकल्स ट्रेड से। सो गाइस, ये था आप लोग को बिल्कुल हम ए टू जेड दिखा दे क्वेश्चन के साथ, अब डिस्कस करने वाले हैं विद प्रूफ के विद आंसर के साथ, ठीक है दोस्तों, बिना देरी चलिए स्टार्ट। सो गाइस, असम राइफल रिक्वायरमेंट 23/9/2022 का ये मतलब आप लोग का ट्रेड टेस्ट रिलेटेड रिव्यू है, ठीक है दोस्तों। ट्रेड टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है ऑन द जोरहाट सेंटर का, कहाँ का है जोरहाट सेंटर का, बहुत लोगों का मैसेज जोरहाट सेंटर का आप लोगों को बताइए, तो मैं आप लोगों को सुखीवी का डाल चुका हूँ, अब जोरहाट का आप लोगों का बताने वाला हूँ। देखिए फर्स्ट आप लोग बताए, पहला क्वेश्चन पूछा गया तिरंदे का मतलब मात्रक क्या है, तिरंदे का मात्रक क्या है, तो बता सकते हो मीटर है, ठीक है दोस्तों, मीटर है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, वो टाइप किया था कि 100 के पास का अभाज्य संख्या कितना है, तो ये आप लोग टाइप किया था, इस क्वेश्चन इस तरह पूछा गया होगा, 100 के पास का अभाज्य संख्या कितना है, या 100 के पास अभाज्य संख्या कितना होता है, 100 तक के मतलब अभाज्य संख्या कितना होता है, तो आप लोग बता सकते हो। अभाज्य संख्या इंग्लिश में क्या होता है, प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर PRIME प्राइम नंबर बोलते हैं, जो आप लोग को देखिए पहले आप लोग को डिफिनेशन बताते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक से कटे और खुद से कटे, उसे मतलब अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। फर्स्टली आप लोग को 2 देख लीजिए, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात है एक ना तो प्राइम नंबर है ना ही अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है, ठीक है दोस्तों, एक तो फर्स्ट आप लोग बात किया, देखो दोस्तों पहले 2 हो जाएगा, 2 क्योंकि खुद से कटेगा और खुद से कटेगा और सेम से कटे और एक से कटे, ठीक है, एक से भी कट जाएगा। 3 हुआ खुद से कटेगा और भी एक से कट जाएगा। 5 हुआ 5 खुद से कटेगा और एक से कटेगा। इसी प्रकार देख लीजिए पूरा दिया है, टोटल आपको बता दें 100 तक आप लोग गिनती पढ़ेंगे मतलब कि काउंट करेंगे, तो ये आप लोग 97 98 भी कट जाती है 2 से,
दो से नहीं करना चाहिए, कम से कम वो खुद से कटे, जो संख्या हो खुद से कटे और एक से कटे, वही प्राइम नंबर होता है। तो ये टोटल आप लोग 25 प्राइम नंबर है, ठीक है दोस्तों। टोटल कितने प्राइम नंबर 100 तक की, तो पूछे तो आप लोग का प्राइम नंबर टोटल टोटल 25 क्वेश्चन है, 25 नंबर है। सो गाइस मैथ्स से क्वेश्चन भी आप लोग को पूछ रहे हैं, कम से कम दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैथ्स से, और ये थोड़ा सिंपल पूछ रहे हैं बट यहाँ टफ भी पूछ रहे हैं, ठीक है। सर्कल का भी आप लोग स्क्वायर पूछे थे एक बार, ठीक है, नीचे दिखाएंगे आप लोग। देखिए सबसे ज़्यादा मतलब दूर पूछे है कि नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, सबसे ज़्यादा दूर कौन सी विद्युत धारा का धारा जा सकती है, तो आप लगा सबसे दूर कौन सी धारा विद्युत धारा जा सकती है, तो ऐसे अल्टरनेटिंग करंट जिसे, ठीक है, चालो क्या होता है, अब पूछते हैं कि विद्युत धारा का मतलब चाल कितना होता है, प्रकाश चाल, तो आपको 3×10^8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है दोस्तों। इससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोग का कि 4 नंबर पूछा गया है कि एसी और डीसी के बारे में पूछे रहे हैं, एसी और डीसी के बारे में पूछ रहे हैं, तो एसी और डीसी के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप लोग दोनों का डेफिनेशन जान लीजिए और क्या क्या मतलब होता है इसके, एसी डीसी को क्या कहते हैं। देखिए प्रतिवर्ती धारा मतलब जो क्या एसी होता है अल्टरनेटिंग करंट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा का मतलब उत्पन्न काम अल्टरनेटर में किया जाता है, अल्टरनेटर में किया जाता है, मतलब अल्टरनेटर मतलब आप लोग का ये सीधा दिशा में नहीं होता, अलग अलग इस तरह होता है, तो ये जो घर में आप लोग को उपयोग होता है ना वो ये एसी की लाइन है, ठीक है दोस्तों। और मतलब हिंदी में से डीसी को क्या कहते हैं, दृष्ट धारा का उत्पन्न मतलब जनित मतलब जनरेटर डायनमो में किया जा सकता है, जनरेटर आप लोग लाइन जो होता है डीसी होता है, ठीक है, डीसी को एसी में बदलने की प्रक्रिया मतलब डीसी एसी में बदलता है। सो गाइस इसी प्रकार 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, मैथ का फॉर्मूला भी पूछ रहे हैं, मैथ का फॉर्मूला आप लोग ज़्यादातर पूछ रहे हैं, ज़्यादातर प्रश्न मैथ के मतलब स्क्वायर रूट पूछा था, स्क्वायर एरिया पूछ रहे हैं, याद करके जाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये स्क्वायर ए इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, ठीक है, ये होता है, ठीक है, कैपिटल थोड़ा देख लीजिएगा, याद करके जाइएगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया इसी प्रकार, तो इधर कर ले, 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया आप लोग दोस्तों कि भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है, ये क्वेश्चन आप होना चाहिए, मतलब इस तरह होना चाहिए, भारत के प्रथम या भारतीय प्रथम के उपग्रह का नाम बताइए, तो आप लोग आर्यभट्ट है, ठीक है, कब आप लोगों को ये मतलब परिक्षेपण किया गया था, तो कब छोड़ा गया था लॉन्च के, तो ये 19 अप्रैल 1975 को परिक्षेपण किया गया था, ठीक है दोस्तों, आर्यभट्ट नाम है उपग्रह का। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इसी 7 नंबर के, DOX का फुल फॉर्म क्या होता है, DOX ये पहले भी पूछा गया है ट्रेड टेस्ट में, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग का डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट आप लोग को देख लेते हैं क्या पूछा गया है, 8 नंबर, तो 8 नंबर पूछा है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, दोस्तों ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, आप लोगों को 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है दोस्तों। इसी प्रकार पूछा है कि 9 नंबर, पृथ्वी का प्लान बैग कितना होता है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग पूछा गया है कितना होता है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को वहाँ पर पूछा गया, क्या मना हमको लग रहा है 12, 13, 14 पूछा गया है, तो पृथ्वी का प्लान बैग आप लोग कितना होता है, 11.2 होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया लास्ट क्वेश्चन की ये आप लोग का रेजिस्टेंस, देखिए आप लोग रेजिस्टेंस हम बता रहे हैं, रेजिस्टेंस हुआ, ट्रांजिस्टर हुआ, आप लोग का डायनमो हुआ, आप लोग का फ्यूज हुआ, और इंसुलेटर हुआ, ये 5 क्वेश्चन ऐसा है ना कि बार बार ट्रेस्ट में पूछ रहे हैं, ये आप लोग को रट के जाइएगा, बिल्कुल रट के जाएगा, 5ों का रट के जाएगा, मैं नहीं तो एक वीडियो हम सेपरेट बना देंगे उससे रिलेटेड, आप लोग फुल नोटिफिकेशन फुल आप लोग को डिटेल्स बता देंगे, तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी, कहोगे तो वीडियो बना सकता हूँ, और ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट आप लोग बताए रेजिस्टेंस और ट्रांजिस्टर क्या है, तो आप लोग बता वहाँ पूछा गया, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, उसी को प्रतिरोध करते हैं, मतलब हिंदी में प्रतिरोध करते हैं, इंग्लिश में आपको रेजिस्टेंस कहते हैं, आप लोग को देखे होंगे रेजिस्टेंस इसी प्रकार होता है, ठीक है, ठीक है, इस तरह होता है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ट्रांजिस्टर एक मत अर्धचालक युक्ति है, क्या एक अर्धचालक युक्ति है जिसे मत मुख्यतः प्रवर्धक मतलब एम्पलीफायर, इंग्लिश में एम्पलीफायर बोलते तथा इलेक्ट्रॉनिक्स स्विच के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों, ये आप लोग का ट्रांजिस्टर है। सो गाइस आपको बिल्कुल ए टू जेड बता चुका हूँ क्वेश्चन कैसे वहाँ पर पूछा गया था जोरहाट का 23/9/2022 का। सो मैं आज का वीडियो लाऊंगा, ठीक है दोस्तों, शाम तक जो भी कैंडिडेट बता रहे हैं 24/9/2022 को रिव्यू देंगे तो मैं बताऊंगा, आगे जो भी कैंडिडेट का होने वाला है, चाहे 25-26 तारीख जो भी आगे होने वाला है, चाहे आप लोग का हेरियो ऑपरेटर का हो, चाहे आप लोग का टाइपिंग टेस्ट जो आप लोग का कलर कंपोजिशन डालो, जरूर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। व्हाट्सएप नंबर मेरा क्या है, तो ये है 90 26 92 92 और आप लोग का 34 36, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ अपन मैसेज कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। सिर्फ मैसेज करना, कॉल नहीं करना है आप लोग को, सिर्फ मैसेज करना है। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।